दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो कि आते हैं 25,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। 25,000 रुपए की प्राइस पर डिसेंट लैपटॉप मिलने शुरू होते हैं। इनमें आप ज्यादा हेवी टास्क जैसे एडिटिंग, कोडिंग और गेमिंग नहीं कर सकते, लेकिन वेब ब्राउजिंग, एमएस ऑफिस, ऑनलाइन मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और एजुकेशन जैसे काम बिना किसी इशू के कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस मीटिंग्स और नॉर्मल नेट सर्फिंग के लिए एक लैपटॉप चाहते हैं तो ये लैपटॉप्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि इनमें आपको डिसेंट प्रोसेसर, 4GB की रैम, HD वेबकैम, लाइट वेट डिजाइन, बेस्ट बैटरी लाइफ और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस वर्जन प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। अगर आप का बजट 25,000 के आसपास है और आप इस प्राइस में एक बेस्ट लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी के डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे इनमें से कौन सा लैपटॉप किस प्राइस में लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है HP Chromebook 14। दोस्तों नंबर 5 और नंबर 4 के दोनों लैपटॉप टच स्क्रीन के साथ आते हैं और इनमें गूगल क्रोम OS देखने मिलती है। इनमें आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलती, लेकिन बाकी सभी काम आराम से हो जाते हैं। यह आता है 14 इंचेस की फुल टच डिस्प्ले के साथ। इसमें स्लिम और लाइट वेट डिजाइन देखने मिलता है। इसमें आता है इंटेल N4020 ड्यूल कोर प्रोसेसर, जिसमें 2 कोर्स और 2 थ्रेड्स मिल जाते हैं जो बेसिक काम करने में कैपेबल है, जिसमें 1.1 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी और 2.8 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और इसमें इंटेल अल्ट्रा HD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। साथ ही इसमें 4GB की DDR4 रैम मिलती है और इसमें 64GB की EMNC स्टोरेज मिल जाती है, जिसे अप टू 56GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, USB टाइप सी पोर्ट और USB 3.0 पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। या 24,000 रुपीज के प्राइस के साथ दोस्तों प्राइस के हिसाब से इसमें आपको ठीक ठाक प्रोसेसर मिल जाता है। इसे आप एक लैपटॉप और टैबलेट का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, लेकिन इसमें टैबलेट के मुकाबले बेस्ट प्रोसेसर मिलता है। इस वजह से HP Chromebook 14 हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है HP Chromebook X360। दोस्तों ये भी फुल टच स्क्रीन लैपटॉप है और क्रोम OS के साथ आता है। इसमें कंप्लीट 360 डिग्री स्क्रीन मिलती है, जिसे आप टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। यह 14 इंच की फुल टच डिस्प्ले के साथ इसमें स्लिम और लाइट वेट डिजाइन देखने मिलता है। इसमें आता है AMD 3050 ड्यूल कोर प्रोसेसर, जो 2 कोर्स और 2 थ्रेड्स के साथ आता है। इसमें 1.1 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी और 2.8 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। साथ ही इसमें 4GB की DDR4 रैम मिलती है और 64GB की EMMC स्टोरेज भी मिल जाती है। इसमें 100GB गूगल ड्राइव स्पेस 1 ईयर के लिए फ्री मिलता है, और साथ ही इसकी स्टोरेज को आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, USB टाइप सी पोर्ट और USB 3.0 पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें भी लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। इसकी प्राइस 26-27,000 के आसपास देखने मिलती है, जो ऑफर के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम 25,000 के अंदर मिल जाता है। अगर आप एक डिसेंट टैबलेट कम लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें फुल टच स्क्रीन मिलती है और टैबलेट से कई ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है। इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ऑफिस वर्क, नेट सर्फिंग और ऑनलाइन मीटिंग जैसे काम बिना किसी इशू के कर सकते हैं। इस वजह से HP Chromebook X360 हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है Lenovo V15। दोस्तों नंबर 3 से नंबर 1 के सभी लैपटॉप्स में आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है और डिसेंट स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। इन्हें आप एक प्रॉपर लैपटॉप बोल सकते हैं। या तो 15.6 इंचेस की बड़ी फुल HD डिस्प्ले के साथ इसमें 1080x1920 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। ये भी आता है इंटेल सेलेरॉन N4020 ड्यूल कोर प्रोसेसर के साथ, जो 2 कोर्स और 2 थ्रेड्स के साथ आते हैं। इसमें 1.1 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी और 2.8 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और इसमें इंटेल अल्ट्रा HD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। इसमें 4GB DDR4 रैम मिलती है और 256GB की SSD भी मिल जाती है। इसमें एक SATA स्लॉट मिलता है, वहां पर आप स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस वर्जन के साथ प्री इंस्टॉल मिलती है, और साथ ही इसमें HD वेबकैम और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, HDMI पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट और 2 USB 3.1 पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। इसकी प्राइस 26-27,000 के आसपास देखने मिलती है, जो कार्ड ऑफर के साथ 25,000 के अंदर मिल जाता है। दोस्तों इस प्राइस पर एक परफेक्ट लैपटॉप है, जिसमें आप सभी बेसिक काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप एक विंडोज लैपटॉप चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है Asus VivoBook 15। दोस्तों ये Asus का बेस्ट सेलिंग मॉडल है। ये भी एक विंडोज लैपटॉप है, जिसमें NVMe M.2 SSD मिल जाती है, जो बाकी लैपटॉप्स में देखने नहीं मिलती। यह 15.6 इंचेस की HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, जिसमें 200 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ये भी आता है इंटेल सेलेरॉन N4020 ड्यूल कोर प्रोसेसर के साथ, जो 2 कोर्स और 2 थ्रेड्स के साथ आता है, जिसमें 1.1 गीगाहर्ट्ज की बेस्ट फ्रीक्वेंसी और 2.8 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और साथ ही इंटेल अल्ट्रा HD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। इसमें 4GB DDR4 रैम मिलती है और स्टोरेज के लिए 256GB की NVMe M.2 SSD मिल जाती है। इसमें एक 2.5 इंचेस का SATA स्लॉट मिलता है, वहां पर आप SSD और HDD अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस वर्जन प्री इंस्टॉल मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, HDMI पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट और 2 USB 3.0 पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें 2 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 6 आवर की बैटरी बैकअप मिल जाती है। यह 27,000 रुपीज के प्राइस के साथ, जो अमेजन ऑफर के साथ 25,000 के अंदर मिल जाता है। इस प्राइस पर इसमें आपको NVMe M.2 SSD मिलती है और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस वर्जन प्री
इंस्टॉल मिल जाता है, जो इस प्राइस में ज्यादातर देखने नहीं मिलता। इसमें भी आपके सारे बेसिक काम एकदम आसानी से हो जाते हैं। इस वजह से Asus VivoBook 15 इन स्पेसिफिकेशन के साथ हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है Acer Aspire 3। दोस्तों इस लिस्ट का सबसे बेस्ट प्रोसेसर और ग्राफिक्स इसमें देखने मिलते हैं और साथ ही 1 TB की स्टोरेज भी मिल जाती है। यह 14 इंच की HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ जिसमें स्लिम और लाइट वेट डिजाइन मिल जाता है। यह AMD 3020E ड्यूल कोर प्रोसेसर के साथ जिसमें 2 कोर्स और 2 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जो 1.2 GHz बेस फ्रीक्वेंसी और 2.6 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। और साथ ही इसमें AMD Vega 3 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। इसमें आपको बाकी लैपटॉप से थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है। यह 4 GB की DDR4 RAM के साथ और इसमें 1 TB की HDD भी मिल जाती है। इसमें आप 12 GB तक RAM एक्सपेंड कर सकते हैं और इसमें एक PCI स्लॉट मिलता है, वहां पर आप SSD भी अपग्रेड कर सकते हैं, जो इसकी सबसे खास बात है। इसमें विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस वर्जन प्री इंस्टॉल मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, HDMI पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट और 2 USB 3.2 पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें 2 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है जिसमें 8 आवर्स की बैटरी बैकअप मिल जाती है। यह 24,000 रुपीज के प्राइस के साथ, जो इस लिस्ट का सबसे सस्ता विंडोज लैपटॉप है और साथ ही बेस्ट प्रोसेसर और स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, जिसमें आप बेसिक और थोड़े बहुत मॉडरेट टास्क भी आसानी से कर सकते हैं। और 25,000 रुपीज में मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा। इसका एक 256 GB SSD वाला वेरियंट भी आता है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वजह से Acer Aspire 3 इन स्पेसिफिकेशन के साथ हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो कि आते हैं 25,000 रुपीज के प्राइस रेंज के अंदर। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।